प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोजिंग रेगुलेशन 120 कोल माइंस रेगुलेशन 120 120 के अंतर्गत किसी भी माइन को क्लोज या बंद करने के पहले कौन कौन से प्रोटेक्टिव वर्क करना है यह सब इस रेगुलेशन में बताया गया है। बहुत छोटा सा रेगुलेशन है, आप सबको पता होना चाहिए क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या DGMS की क्या कंडीशन रहेगी, क्या प्रोविजंस होंगे, ये सब सारी बातें हम आज के अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में हम लोग आज करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड। पहला पॉइंट, ऐसी माइन या खान जिस पर कोल माइंस रेगुलेशन 5 अप्लाई होता है, लागू होता है, उस माइन के ओनर को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उस माइन के अंडरग्राउंड और सरफेस में कुछ प्रोटेक्टिव वर्क का कंस्ट्रक्शन करने के लिए और किस समय सीमा के टाइम लिमिट के अंतर्गत करना है यह सब बातें अपने लिखित आदेश में बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ओनर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की बताई हुई समय सीमा के अंदर उनके द्वारा बताया गया प्रोटेक्टिव वर्क पूरा करने में फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है या नहीं करता है, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसी काम को किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा पूरा कराकर उस कार्य को सर्टिफाई कराकर उस प्रोटेक्टिव वर्क की जो कॉस्ट है या जो कीमत है उसमें जो खर्चा है उस माइन के ओनर से लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत उससे वसूल कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, जब तक प्रोटेक्टिव वर्क का कंस्ट्रक्शन यह काम चल रहा है तब तक उस खान में आने जाने के कम 2 एंट्री को अच्छी कंडीशन में, अच्छी वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करके ये बनाकर रखा जाएगा। ये थोड़ी सी बातें हुई आपको रेगुलेशन में प्रोटेक्टिव वर्क कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, क्या रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर की क्या कंडीशन रहेगी, ये सारी बातें आज हमने देखी। छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा होगा, अगर उम्मीद है अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एडवाइस कमेंट करें। धन्यवाद।